बार किनारा लगा, जाना होगा स्पेशल पर्सन बिलाल। मैंने बताया था इससे पहले भी, तैमूर मिर्जा को परेशानी में डाल चुके हैं। गेंद पड़ के थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर निकला, सामने खेलना चाहते थे, तालियां बजाकर दाती जा रही है वहां पर बिलाल को फरुख। वाकई हिम्मत की दाद देनी होगी बिलाल, ब्रेकर और एक बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए, रिसीव किया और एक्स्ट्रा फ्लाइट दी इसको, बड़े शॉट खेलने गए आउट साइड रेंज, विकेट कीपर ने कैच मुकम्मल किया। तो जिस तरह से बॉल को ट्रिफ कराया, रिटर्न कराया और इस तरह कैमियो खत्म हुआ मिर्जा का। तैमूर मिर्जा 24 5 गेंदों का सामना किया और इस तरह 40 पर 1। देखते हैं, फुल टॉस था, लो फुल टॉस, ज्यादा डैमेज नहीं, गेंद का रास्ता रोका गया वहां पर, डीप लॉन्ग ऑन पे एक रन का मजीद इजाफा। दो ओवर्स के बाद 53 पर 1। उसके बाद से कितनी और नैया डुबोएंगे देखना है। जी हाँ, पहला बॉल लीडिंग एज हुआ है, कोई फील्डर नहीं मौजूद, बल्कि एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। सुपर बॉल बिलाल एक बार फिर से, फुल लेंथ बॉल करना चाह रहे थे, टाइम किया है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया यहाँ पे बिलाल ने और बदला ले लिया अपने छक्के का। बड़ा मार्का मारा बिलाल ने और वो विकेट हासिल कर ली है जो कि सोने से कम नहीं थी। हसन पेंडा की बड़ी कीमती विकेट थी जो कि हासिल करने में कामयाब रहे, वरना हसन पेंडा का इरादा यही था इस ओवर में एक और जैज सुपर बॉल ले लेते। वो ऑलरेडी एक पर उन्होंने छक्का लगाया था, क्रिस पे 12 रन हासिल किए, लेकिन बिलाल बहरहाल ये विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। 28 रन बना के गए हैं 8 बॉल्स पर, जिसमें 2 छक्के। अच्छा बॉल कर गए, सीधा रहा बॉल और कलीम समझने में बिल्कुल नाकाम रहे। एक और बेहतरीन बॉल, कभी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक बार फिर कोशिश थी लेकिन बड़े शॉट के लिए नाकामी हुई। यहाँ पर 2 रन बनेंगे यहाँ पर। इस बार ऑनसाइड की जान रखिए ना, फील्डर मौजूद हुसैन गुज्जर, एक ही रन आएगा। 46 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये देखिए, ये किनारा लगा है या नहीं, आवाज जरूर आई है। जी हाँ, जाना होगा यहाँ पर तारी पिंडी को। क्या कहेंगे अली भाई इस नौजवान के बारे में बिलाल? या बड़ी उम्दा बॉलिंग की और देखें कि किस अंदाज से उन्होंने बीट किया और आउट कराने में कामयाब हुए। बिलाल पेस को अपनी तब्दील किया और इनके लिए जो एक तमाशाई है यहाँ पे क्रिकेट सपोर्टर, उन्होंने 5,000 रुपए का भी ऐलान किया हुआ इनको, जब टीवी पे उन्होंने बॉलिंग करते हुए देखा खालिद जिया साहब ने। और अच्छा कैच था यहाँ पर, मूवमेंट हासिल की बिलाल ने और विकेट हासिल की। उमर शेखोपुरा ने 8 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं, मिक्सअप करते हैं, डिलीवरी को एक और विकेट मिल सकती है। ऊंचा खेले, फील्डर गेंद के नीचे और सेकंड अटेम्प्ट में कैच करने में कामयाब। वन टेन स्पर्ट्स को दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, मुइज ब्रावो गेंद के नीचे आ चुके थे लेकिन उनसे पहले ही कैच को लपकने में कामयाब हुए। तो हसन शाहिद का डिपार्चर और ये है बिलाल ब्रेकर, जिन्होंने ब्रेक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी 110 स्पोर्ट्स की इस बैटिंग पावर हाउस को। इस बार लेफ्टी के गेस भी गेंद बाहर निकाला, गेंद काफी देर हवा में रही, सेकंड अटेम्प्ट में कैच पकड़ा, एक और बड़ा विकेट, कुछ नहीं कर पाए यहां पर हसन शाहिद। पहली गेंद पर ही वापिस जाएंगे, अंपायर का सिग्नल, ये लीगल डिलीवरी, तो इस तरह हैट्रिक को मिस कर गए, क्लेम किया था यहाँ पे दोस्तार, यहाँ पे क्लेम करते हुए वाइट और रिव्यू लिया यहाँ पर 110 स्पोर्ट्स ने रिव्यू लिया। रहमान बहादुर एम्पायर, एक और सीजन एम्पायर। ये जो रिव्यू है इस पर मुझे आपकी राय भी चाहिए। हार्ड बॉल में हम देखते हैं जब बैट्समैन शफल कर जाता है ऑफ स्टंप से बाहर, बीट होता है प्लेट करके, तो वो व्हाइट बॉल दिया नहीं जाता, टेप बॉल में रूल्स कुछ अलग है। देखिए मैं समझता हूँ कि लीगल डिलीवरी है ये, फील्ड डिलीवरी, और यही आपने देखा भी, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ ये हुआ कि हैट्रिक को मिस कर गए ब्रेकर। इस नौजवान के हौसले को जितनी दाद दी जाए कम है।